कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग डी टू प्लस बी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के सभी पी वाई क्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले डी टू प्लस बी के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको स्किप नहीं करिएगा। और ये इसका फिफ्थ पेपर होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एंटीगुआ और बरमूडा कहाँ स्थित है। तो ये है कैरेबियन अमेरिका में। तो एंटीगुआ और बरमूडा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है, मतलब कि आइसलैंड कंट्री है, जो कि कैरेबियन सागर और अटलांटिक ओशियन के बीच स्थित है। ये ओशियन भी महत्वपूर्ण है। साथ ही एंटीगुआ और बरमूडा की कैपिटल क्या है, सेंट जोन्स है। और एंटीगुआ और बरमूडा को 1493 में सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा भी खोजा गया था। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश है। और इसका कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कैग हर बार पूछा जा रहा है, तो कैग तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फंडामेंटल राइट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहाँ से आर्टिकल पूछे ही जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। तो यदि बात करें कैग की, तो यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल उसी तरह से और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। यही एक कथन सही है कैग के बारे में। कैग की बात करें तो यह किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो ये कराया जाता है शेरशाह सूरी का द्वारा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ के द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जन्मदिवस के अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पोएट्री स्टडी में 2018 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है। तो ये हो जाएंगे फ्रैंक बिडॉल्ट तथा हाफ लाइट क्लैटी पोएम्स। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है कोणार्क में, जो कि ओडिशा में है। और इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। और इसे यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, आदिल ने माइक्रोवेव ओवन में छिलकों के साथ कच्चा अंडा रखा और चालू कर दिया। इस क्रिया का क्या परिणाम होगा, इससे क्या होगा कि अंडे के जो छिलके हैं वो फट जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में सरकार के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बाढ़ से भारत में औसतन कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा 7.5 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है, बेलगांव में 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं। ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39th अधिवेशन होता है, जो कि 26 से 27 दिसंबर 1924 को बेलगाम कर्नाटक में होता है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है, और यही एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन की भी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने स्थापना करी थी, कब करी थी, मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन रहा है। तो हो जाएंगे जयपाल सिंह हुंडा। नेक्स्ट है, द पैगंबर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हो जाएंगे कहलील गिब्रान। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो हो जाएगा टोक्यो जापान में। तो ये 2020 का पूछा गया है, 2024 में कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पेरिस फ्रांस में। तो 2024 का याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या थी। तो ये हो जाएगी 44, जो कि 2019 में घटकर 34 हो गई है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी गायक अश्विनी भिड़े देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो ये संबंधित है जयपुर अतरौली घराने से। नेक्स्ट है, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है या जिम्मेदार होती है। तो ये हो जाएगी लोगों का सदन, मतलब कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आर्टिकल 77 की बात करें तो इसमें भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 78 ये बात करता है राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेप्सिको के भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि सीईओ कौन है, जिन्होंने 12 साल पद पर रहने के बाद अगस्त 2018 में सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। तो जाएंगे इंदिरा नूरी। ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2018 में मरणोपरांत प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो जाएंगे विनोद खन्ना जी। तो पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि पुरस्कार से हर बार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं।
नेक्स्ट है 2016-17 के दौरान वास्तविक रूप से 2011-12 की कीमतों में प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो हो जाएगा 82,269। तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो बजट पास किया गया है वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।